बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुगर एंड स्पाइस इन लाइफ मेरे चैनल में बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। देखें, आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छी रेसिपी दे रही हूँ। मैंने बिग पोटैटो बाइट्स बनाए थे जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत आसान चीज़ों के साथ मैंने आपको ये रेसिपी दी है। ज़रूर आपने रेसिपी ट्राई करनी है। आप चाहें तो उसे टी टाइम पर भी बना सकते हैं। हमने तो ये डिनर में बनाए थे और बहुत ये एक से डेढ़ खा के आपका पेट फुल हो जाता है, जैसे पिज़्ज़ा एक से दो पीस में पेट नहीं भरता। लेकिन अगर आप ये खाएँगे एक से दो पीस में आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाता है। इसके अलावा मुझे आज शॉर्ट आउट मिला है फसीहा लाइफ की तरफ से, जो कि उन्होंने बिल्कुल फ्री दिया है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेरा बिल्कुल नाम फर्स्ट देखें आपको आवाज़ आ रही है उनकी, तो बस उनका मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। उसके अलावा जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग नए चैनल बनाए हुए हैं, वो भी वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं उनको, वो आपका चैनल का नाम भी ले सकते हैं। तो बस देखें, आजकल बिल्कुल भी कोई इस तरह फ्री शॉर्ट आउट बिल्कुल भी नहीं दे रहा। हर एक पैसा लेते हैं और उसके बाद अपने हमारे चैनल का नाम लेना पसंद करते हैं अपने चैनल में। देखें, लेकिन फसीहा लाइफ इन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिल्कुल शॉर्ट आउट देती हैं, तो इनकी बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने उनकी वजह से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। वेलकम करती हूँ मैं उनको अपने चैनल में। और देखिए, मैंने अब इसके अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने तीन आलू लिए हैं, आप लोग चाहें तो एक जैसे साइज़ के भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने तीन टाइप के आलू ले लिए हैं। इसको अच्छी तरह देखें आप, पिलर की मदद से अच्छी तरह इसको बिल्कुल नीट कर लेंगे अंदर से, जिस तरह एक प्लेट बनाते हैं उस तरह आप इसको बना लें। और मैंने कोशिश करी बनाने की लेकिन सही से नहीं हो रहा था, तो इसमें आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो काम है बिल्कुल नीट क्लीन करने वाले, इस तरह बिल्कुल ताकि ख़राब ना हो, वो आपके हस्बैंड बहुत अच्छी तरह कर देते हैं। तो बस इस तरह देखें, अपने हस्बैंड की हेल्प लें आप, इस तरह बहुत अच्छे तरीके से वो आपको करके देंगे। और देखें, बस इस तरह से आपने होल करना है और बिल्कुल बहुत गहरा नहीं करना कि वो नीचे से टूट जाए, बिल्कुल आराम से करके दे दिया मुझे। देखें माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने, तो बस देखें अच्छी तरह इस तरह आपने कर लेना है। अब मैं तो ये एयर फ्राई में बना रही हूँ, जिनके पास एयर फ्राई नहीं तो फिर उसको फ्राई कर लें। बस देखें, इसके बाद मैंने इन्होंने सारे मुझे इस तरह करके दे दिए। इसके बाद फिर देखें, कुछ चिकन मैंने लिया एक कप भर के, उसमें बेसिक जो मसाले होते हैं जिसमें हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्चे, कश्मीरी रेड मिर्चे, लहसुन अदरक का पाउडर डाल लें या पेस्ट ऐड कर लें, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करें, थोड़ा सा नमक ऐड करें और इसको मिक्स करके आप थोड़े से तेल में आप इसको मतलब जब तक गोश्त गल जाए तब तक पका लें बस। और जो देखें, सारा ये वेस्ट नहीं करना आपने, इसको भी आपने फ्राई करके इसको भी हम ऐड करेंगे। बहुत क्रंची सा इसका फ्लेवर होता है जब हम इसको ऐड करते हैं ऊपर से। तो बस देखें, चिकन मैं बना रही हूँ एक तरफ और दूसरी तरफ मैं जो देखें, अब मैं इसको एयर फ्राई बना रही हूँ। चाहें तो हल्का सा बिल्कुल उसके ऊपर तेल ऐड कर सकते हैं ताकि एक बहुत ही हार्ड से ना हो, बहुत लाइट सा ब्रश की मदद से हल्का सा इसके ऊपर आप तेल लगाना चाहें तो हल्का सा लगा सकते हैं। एयर फ्राई में चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, ज़रूर आप लेके रखें। और बस देखें, इसके बाद मैं थोड़ी देर, मैंने 10 मिनट एक तरफ से पकाया था और फिर पलट के 10 मिनट, टोटल 20 मिनट लगे थे। और बहुत ही अच्छी तरह गल जाते हैं इसके अंदर जो आलू हैं, बहुत फ्राइज भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब देखें, रेडी हो गए ये। अब इसके अंदर मैंने सिंपल पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है। देखने में तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन जब आप खाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। जो लोग रोज़ रोटी चावल ये चीज़ें खा के थक जाते हैं, सारे एक जैसी चीज़ें, तो इस तरह की रेसिपीज डिनर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत आपका पेट एकदम भर जाएगा और बहुत एक मज़ा भी आएगा आपको। देखें कितनी क्रिस्पी सी आवाज़ है। ये लास्ट में आप चावल भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले देखें आपने चीज़ ऐड करनी है। अभी आपको नज़र आया था चिकन भी रेडी है और सब चीज़ें जब रेडी हो जाए उसके बाद भी जल्दी से आप ये बना लें। सबसे पहले चीज़ ऐड करना है, इसके बाद चिकन देखें मैंने ऐड किया है इसके ऊपर। और आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें शिमला मिर्चे वगैरह जो पिज़्ज़ा में हम चीज़ें ऐड करते हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप। इसके बाद देखें मैंने जो इसका मैंने थोड़े से फ्राइज टाइप बनाए थे वो देखें थोड़े से ऐड कर दूँगी। चाहें तो साथ भी सर्व कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपने दोबारा चीज़ ऐड करनी है। सबसे नीचे आपने चीज़ लगानी है, सबसे ऊपर, ताकि वो सब सामान बिल्कुल भी इस पर से गिरे नहीं और अच्छी तरह अंदर सेट हो जाए इसके। अब देखें मैंने सारी जो पोटैटो बिग पोटैटो बाइट्स हैं वो रेडी हो गई हैं। इसके बाद फिर इसको अच्छी तरह प्रेस करना है आपने। बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि हेल्थ के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है चीज़। तो बस जब भी वीकेंड पे एक दफ़ा आप चीज़ का कोई चीज़ ट्राई करें तो बस फिर कोशिश करेंगे बस कम से कम चीज़ ऐड हो। इसके बाद देखें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें इसके ऊपर ऐड की हैं और इसके बाद थोड़ा सा धनिया ऐड किया ताकि एक खूबसूरती खूबसूरत लुक आ जाए इसकी।
और इसके बाद देखिए मैं इसको बेक कर लूँगी। बस आपने ग्रिल हर चीज़ देखें इसके अंदर पकी हुई, सिर्फ ग्रिल करना है ताकि चीज़ अच्छी तरह बिल्कुल मेल्ट हो जाए। बस कुछ मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट बस आप इसको ग्रिल कर लेंगे और हमारे बिग पोटैटो बाइट्स रेडी हो जाते हैं, जो कि खाने में और देखने में बहुत ही पसंद आते हैं सबको, और बच्चे ख़ास तौर पे बहुत शौक़ से खाते हैं ऐसी चीज़ें। तो बस देखें रेडी हो चुके हैं ये। अब देखें मैं इसको दूसरी मैंने ट्रे में इसको ऐड कर लिया, दूसरी ट्रे में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब थोड़े से अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो फ्राइज़ बनाए थे वो ऐड कर दें, और एक सॉस टिक्का मायोनीज़ बहुत अच्छा लगता है, इसकी वजह से बहुत इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और गार्लिक मायोनीज़ तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन टिक्का मायोनीज़ भी ज़रूर ये तस्वीर ले लें इसकी, और ज़रूर ये ट्राई करें। बहुत ही देखें येलो कलर की जो नज़र आ रही है, बहुत इससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है किसी भी चीज़ का। और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखें बहुत ही अच्छी तरह अंदर से हर चीज़ गली हुई थी, और बहुत जब आप इसको बाइट लेंगे आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी लगेगी ये। और हाथ से खाने का तो देखें अलग ही मज़ा है, ज़रूरी नहीं है कि आप छुरी कांटे से खाएं, आराम से इजी होके हाथ से खाएं बहुत ही। और थोड़ा सा देखें मैंने इसके ऊपर केचप ऐड किया है, इसकी वजह से भी बहुत फ्लेवर इसका इन्हेंस हो जाता है। तो ज़रूर आपने रेसिपी ट्राई करनी है, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं सबको मेरे वेलकम, एक दफ़ा दोबारा वेलकम करती हूँ। जो लोग भी फसिया लाइफ की तरफ से मेरे चैनल में आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें पीछे से भी कितनी अच्छी तरह बैक साइड इसकी पकी हुई है, तो बस ज़रूर आपने रेसिपी ट्राई करनी है, बहुत ही एक अलग सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी इजी रेसिपी है। जिनके पास एयर फ्रायर नहीं वो इसको फिर फ्राई करके और फिर बाकी की चीज़ें ऐड करें सारी इसके अंदर, तो ज़रूर ट्राई करना है आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।